प्रिय छात्रों नमस्कार। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में आसान तरीके से किसी भी संख्या का वर्ग करना सीखेंगे। जैसे एक का वर्ग करना हुआ, या 99 का वर्ग करना हुआ, या 11 का वर्ग करना हुआ, या 111 का वर्ग करना हुआ, तो बड़े ही सरल ढंग से वर्ग करना सीखेंगे। तो वर्ग कैसे किया जाता है, तो आज हम लोग इस वीडियो में 1 से लेकर के 99 तक की संख्याओं का वर्ग बहुत ही सरल ट्रिक से, बहुत ही आसान ट्रिक से करेंगे। और इसके साथ साथ 1 का वर्ग 11 का वर्ग और 111 का वर्ग कैसे किया जाता है, इसके भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप उसको बहुत ही सरल ढंग से वर्ग कर सकते हैं। जैसे देखिए, लिखा गया है 41 का वर्ग करना है, या 98 का वर्ग करना है, या कोई भी संख्या हो तो उसका वर्ग कैसे करेंगे। तो देखिए, बहुत ही सरल ट्रिक है। यहाँ पर देखिए लिखा है 41 की पावर 2, 41 की घात 2 लिखा गया है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको इसका वर्ग करना है। तो इसका वर्ग करने का अर्थ हुआ कि 41 में हम 41 का गुणा कर देंगे, जो आएगा यही इसका आंसर होगा। तो 41 में गुणा करने में हमें समय लगेगा, इसके लिए हम बिना गुणा किए ही इसको करेंगे। तो देखिए, बिना गुणा किए कैसे इसको करना है, तो देख रहे हैं यहाँ पर 41 का वर्ग इस तरह से लिखा है। तो 41 का वर्ग, अब इसमें आपको देखना है, और ये इसमें दो नंबर हैं, दो संख्या है। तो आपको करना क्या है, आप 1 का वर्ग करेंगे। जब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग कितना होगा, आप जानते हैं, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 गुणे 1, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसको आप लिखेंगे 0 1। इसके बाद 4 का वर्ग करेंगे तो 4 गुणे 4, 4 चौक 16, यहाँ पर लिख देंगे 16। अब आपको करना क्या है, अब यहाँ देख रहे हैं दो संख्याएँ कौन कौन सी हैं, 1 4 है, 1 1 है, और यहाँ पर देखिए 2 है। तो आपको लिख देना है 4 गुणे 1 गुणे 2, कितना हो जाएगा, ये हो गया 4 1 के 4, 4 2 8। अब यहाँ पर आप इस तरह से 8, तो 8 को आपको क्या करना है, 1 अंक को छोड़ करके इसमें जोड़ देना है, यहाँ आ गया 8। इस तरह से आप जोड़ देंगे तो आ गया कितना, ये आ गया 1681। इस तरह से इसका आंसर कितना आ गया, ये हो गया 1681। अब आपको 98 का वर्ग करना है। देखिए, इसी तरह से आपको 98 का वर्ग कर लेंगे। जैसे देखिए लिखा गया 98, तो सेम उसी तरह आपको इसको भी कर लेंगे। तो देखिए लिखा गया है 98 घाते 2, तो 98 घाते 2 का अर्थ ये हुआ कि हो गया 98 गुणे 98। अब आपको 98 में 98 का गुणा कर देना है, जो आएगा इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको सरल ट्रिक से करना है, कैसे करेंगे, सेम उसी तरह इसको भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 98 का स्क्वायर लिखा गया है, तो आपको करना क्या है, देख रहे हैं 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 8 2 64, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 9 81। अब आपको करना क्या है, 9 8 और 2 का गुणा करना है, तो आप लिखेंगे 9 गुणे 8 और गुणे 2, तो 9 8 72, 72 2 144। अब आपको 144 इसमें ऐड कर देना है, ऐसे जोड़ देंगे तो आ गया यहाँ पर 4 6 4 10 हो गया, ये हो गया 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 9 हो गया, आ गया ये गया 96 04, 9604 आ गया। इसी तरह से आपको किसी भी संख्या का आपको वर्ग निकालना हो तो आप बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको 99 का निकालना है, तो आप 99 का भी निकाल लेंगे, 99 स्क्वायर है। अब इसको आपको वर्ग करना है, आप कैसे वर्ग करेंगे, तो देख रहे हैं 99 में 9 9 81 हो गया, यहाँ 9 9 81, फिर 9 9 81 हो गया। इसके बाद 9 में 9 का गुणा कर 9 9 81 हो गया, 81 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप इस तरह से गुणा कर लें
तो हो जाएगा दो एक के दो, यहाँ पर दो लिखेंगे, फिर दो अठे 16। अब इसको जोड़ देंगे तो हो गया 1 8 2 10, 6 1 7 1 8 हो गया, 8 1 9 98 0 1 हो गया। तो इसका जो गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 98 0 1। इसी तरह से आप कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए कि आपको 25 का वर्ग करना है, तो 25 में देख रहे हैं आप इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा 5 5 25 हो गया, और ये हो गया 2 2 4। इसके बाद आपको करना है 5 2 10 2 20, 20 को इसमें कितना करना है, ये हो गया देखिए 5 5 25 हो गया, और यहाँ पर 2 2 4 हो गया। अब आपको करना है 5 2 10 10 2 20, 20 को आप इसमें जोड़ेंगे तो 20 आपको इस तरह से जोड़ना है, ऐसे एक अंक छोड़ कर, ये हो गया 5 और ये हो गया 2 6 25 हो गया। इस तरह से ऐसा करते हैं, आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर हमें 1 का वर्ग करना हुआ या 11 का वर्ग करना हुआ, 1 का वर्ग करेंगे तो होगा 1 गुणे 1, अर्थात यह आ जाएगा 1 गुणे 1 1 हो जाएगा। इसी तरह से 11 का करेंगे तो हो जाएगा 11 गुणे 11, ये बराबर आ गया 1 2 1। इसी तरह से 111 का करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 2 1। इसी तरह से अगर 1111 का करेंगे तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1 2 3 4 3 2 1। इसी तरह से 11111 का करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1। इसी तरह से अगर आपको करना है 1,11,111 का, इसको भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। इसी तरह से आप कोई भी संख्या, एक गिनती वाली कोई भी संख्या, कितने भी अंक वाली हो, तो आप इसको बड़े सरल ढंग से कर सकते हैं। मान लीजिए कि इसमें देखिए कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक है, इसका वर्ग करना है। अब इसका ट्रिक देखिए क्या है, आपको करना क्या है, आपको लिखना है 1 2 3 4 5 6 7। अगर 7 अंक हैं तो इसको आपको 7 अंक तक लिखना है, इसके बाद फिर वहीं से वापस आना है। तो वापस करेंगे क्या होगा, अब देखिए हो गया यहाँ पर 6 5 4 3 2 1। इसी तरह देखिए इसको भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक है, तो आपको 8 गिनती तक लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहीं से लौटना है, हो गया 7 6 5 4 3 2 1। इसी तरह से आप 9 अंक की संख्या है देख रहे हैं, इसका भी कर सकते हैं, देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 अंक हैं, इसका भी जब वर्क करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहीं से वापस होंगे 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इसका बहुत ही आसान ट्रिक है, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। इसमें देख रहे हैं जिसका भी गुणा करना है उसमें जितने अंक हैं उतने अंक तक आपको जाना है, फिर वहीं से आपको वापस आना है। देख रहे हैं जैसे इसमें देख रहे हैं 4 अंक है, तो आप 1 2 3 4 अंक 1 2 3 4 लिखेंगे, इसके बाद वहीं से फिर लौटेंगे 3 2 1। देखिए इसमें 3 अंक हैं तो 1 2 3 2 1। इस तरह से ये इसका बहुत ही आसान ट्रिक है, आपको 1 का वर्ग करना होगा, 11 का वर्ग किसी भी संख्या का, अगर आपको इस तरह से
बार करना होगा तो आप बहुत ही सरल ढंग से कर लेंगे। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद दोस्तों अगर वीडियो आप लोग तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमें कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।